सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5 जंगल में फेसबुक का शेष भाग। जंगल में फेसबुक, अभी तक हमने पढ़ा था कि खरगोश होता है और वह सबकी सहायता करता है। आइए देखते हैं वह सहायता किस प्रकार करता है। कैसा उपाय, सबने एक साथ पूछा। खरगोश बोला, देखो साथियों, समय के साथ चलने में ही हम सबकी भलाई है, इसीलिए क्यों ना हम भी जंगल में इंटरनेट का प्रयोग करें। इंटरनेट अंडरलाइन कीजिए और प्रयोग पे अंडरलाइन कीजिए। इंटरनेट, जैसे कि आजकल हम इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। आपको पता है इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट, सारे पशु पक्षी चौंक कर बोले। खरगोश मुस्कुराते अंडरलाइन कर दीजिए, मुस्कुराते हुए बोला, हाँ साथियों, अब हम इंटरनेट का प्रयोग करके अपने परिचितों, मित्रों और सगे संबंधियों के साथ जब चाहे बात कर सकते हैं और हर तरह की सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब आप परिचितों, मित्रों, सगे संबंधियों, सूचनाओं और आदान प्रदान पर अंडरलाइन कीजिए। तोता फुदकते हुए बोला, पर दादा, सूचनाओं का आदान प्रदान तो हम टेलीफोन के द्वारा भी कर सकते हैं। हाँ मिट्ठू तोते, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। टेलीफोन पर हम बात तो कर सकते हैं, परंतु इंटरनेट के बिना एक दूसरे की तस्वीर, अंडरलाइन कीजिए बेटा, तस्वीर नहीं देख सकते, तस्वीर फोटो नहीं देख सकते। एक दूसरे की तस्वीर देखने के लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता, अंडरलाइन कीजिए, आवश्यकता पड़ती है। खरगोश की बातें सुनकर सभी पशु पक्षी हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। खरगोश फिर बोला, साथियों, यदि हमारे पास कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधाएं हो तो हम अपनी ईमेल आईडी की चिट्ठी कहीं भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपको पता है क्या होती है? तो ईमेल पे आप अंडरलाइन कीजिए, और कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ईमेल के द्वारा आपने किसी को कुछ भेजा है तो दूसरे की ईमेल आईडी आपको पता होनी चाहिए, ताकि वो एक दूसरे को भेज सके। कोई भी चीज़ आपने भेजनी है तो मेल के द्वारा हम भेज सकते हैं। बस चिट्ठी भेजने और पाने के लिए एक ईमेल पता चाहिए। इतना ही नहीं, आजकल तो मनुष्य, अंडरलाइन कीजिए, ने बहुत उन्नति, अंडरलाइन कीजिए बेटा, उन्नति कर ली है। यानी कि आजकल तो मनुष्य, इंसान, आदमी ने उन्नति, तरक्की कर ली है। उसने फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी, फेसबुक आपको पता ही है, आपके पापा के फ़ोन में होता है, मम्मा के फ़ोन में होता है, व्हाट्सएप भी आपको पता है, आपके जो स्टडी मटेरियल है उस पर सब कुछ आता है, जैसी कई सोशल साइट बना ली हैं। सोशल साइट जैसे कि इंस्टाग्राम या कोई और चीज़ें बना ली हैं, इस पर अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं और अपने चित्र होते हैं फ़ोटो, का आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि आज हम सुंदर लग रहे हैं, तैयार होके आए, अपनी फ़ोटो खींच ली और दूसरे को अपने फ्रेंड सर्कल में भेज दी। अगला पेज, जन्मदिन का अवसर हो तो आपको ईमेल द्वारा निमंत्रण दीजिए। आप ईमेल द्वारा निमंत्रण दीजिए। जब भी आपका जन्मदिन का अवसर हो तो सबको ईमेल द्वारा निमंत्रण दीजिए, ना कार्ड छपवाने और ना कार्ड छपवाने या चिट्ठी लिखने की परेशानी और ना ही डाकघर जाकर टिकट लगाने की सरदर्दगी। वो कह रहे हैं कि ना तो कार्ड छपवाने की टेंशन रहेगी आपको, ना चिट्ठी लिखने की,
और ना ही डाकघर जाके, डाकघर पोस्ट ऑफिस जाकर टिकट लेकर फिर उस पर लगाने की कोई भी आपको टेंशन नहीं है। सिर्फ आप ईमेल द्वारा ही अपना निमंत्रण अंडरलाइन कर लें, निमंत्रण भेज सकते हैं। अरे वाह, यह तो सचमुच में कमाल का विचार है, सभी पशु पक्षियों ने सोचा। उन्हें ये आइडिया, जो खरगोश का आइडिया था, वो बहुत पसंद आया। बस फिर क्या था, जंगल के राजा शेर ने जंगल में तुरंत कंप्यूटर और इंटरनेट लगाने का आदेश दिया। सभी पशु पक्षियों ने अपनी ईमेल का पता बनाया। अगले पेज पे आ जाइए, क्योंकि ईमेल आईडी नहीं बनाएंगे तो हम कैसे मैसेज भेजेंगे एक दूसरे को, तो सब ने अपनी एक एक ईमेल आईडी बनाई। अब सभी पशु पक्षियों के मित्रों, सगे संबंधियों की चिट्ठियां अंडरलाइन कीजिए, और तस्वीरें इंटरनेट पर ही आती, फेसबुक की सहायता से उनके बहुत से बिछड़े अंडरलाइन किए, जो छूट जाते हैं, मित्र भी मिल गए थे। अब बेटा ये हो गया आपका आज का पार्ट 5। उसके बाद हम मौखिक प्रश्न पे आएंगे, वो आपको मैं भेज दूंगी, लेकिन आपको कैसे करना है, पार्ट 5 लिखना है, जंगल में फेसबुक और मौखिक प्रश्न उत्तर। जैसे सुंदरवन में कौन रहता था, खरगोश। पेड़ के नीचे कौन रो रहा था, गिलहरी। जंगल के पशु पक्षी क्यों उदास थे, टेलीफोन खराब होने के कारण वो उदास थे। जंगल में कंप्यूटर और इंटरनेट लगाने का आदेश किसने दिया था, बताओ, दिया था शेर ने। किसने इंटरनेट लगवाने का आदेश दिया था, शेर ने। तो बेटा ये आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, और आप इस पार्ट की रीडिंग करिए, पढ़िए आगे की, फिर वीडियो आपको भेजेंगे। धन्यवाद।